पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अभी 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था लखनऊ में, तो वहाँ पर एक हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जय जवाहर जय भीम। उसके तहत हमें आज से प्रेस करनी थी और कल से इस प्रोग्राम में हम 100 दलित परिवारों के बीच में जाएंगे और उनके साथ हम उनसे वार्ता करेंगे और उन्हें हम बताएंगे कि किस तरह से 89 से पहले भाजपा के पास जब कांग्रेस को मुस्लिम और दलित वोट करता था तो भाजपा को 2 सीटें आती थी पूरे देश में। जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर हुई है उसी तरह से दलितों और माइनॉरिटी के साथ आक्रमण होने लगा और उनके साथ उनके हक को उनकी आवाज़ों को दबाने जाने लगा। तो इसको लेकर उनसे फिर पुनः कांग्रेस में लौटने की हम उनसे अपील करेंगे और उनसे बात करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आप देखिए जहाँ भी जाइए पूरा माइनॉरिटी समाज पूरा कह रहा है कि इस समय कांग्रेस को वोट करना है और दूसरे किसी दल की बात ही नहीं कर रहा। तो हमें उनको ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश में सारा मुस्लिम मन बना चुका है कांग्रेस को लेकर, तो आप भी उनके साथ अपने पुराने घर में लौटिए। देखिए जब कांग्रेस मजबूत थी तो सारा देश का जो वंचित समाज का वो सब मजबूत था, जब से कांग्रेस कमज़ोर हुई है इनकी आवाज़ों को कमज़ोर किया गया, इनके अधिकारों को भी कमज़ोर किया गया। तो वंचितों के और जो दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकारों को पुनः मजबूत करने के लिए कांग्रेस की सत्ता में वापसी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम ये हमने लॉन्च किया है और 7 दिवसीय ये प्रोग्राम है, पूरा सप्ताह भर ये प्रोग्राम चलेगा। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जो पिछले महीने 15 जून से 26 जून तक चला था, 10 दिवसीय एक प्रोग्राम था चाय पे चर्चा। उसके बीच में भी हम दलित समाज के बीच में गए थे और उस पर चर्चा की। कितना परिवर्तन लगता है आपको, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम इससे पहले भाजपा चला चुकी है, अब कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्या? देखिए मैं देखता हूँ कि आज पूरे देश में, आप पूरे देश के किसी भी हिस्से में जाइए, एक बदलाव का मौका है और देश के लोगों ने राहुल गांधी जी को जिस तरह से स्वागत किया भारत जोड़ो यात्रा में, शुरू में लगता था, लोगों को खुद लगता था, राहुल जी को स्वयं लगता था कि किस तरह से इतनी बड़ी यात्राओं को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से वो 4,450 किलोमीटर चले, इन तकलीफ़ों में विपरीत परिस्थितियों में चले और जिस तरह से नौजवान बूढ़े बुजुर्ग बच्चों जिस तरह से उन्हें प्यार दिया, जिस तरह से उन्हें अपना नेता माना और वो सब देश के हर एक व्यक्ति की हर एक समाज की जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई सकन में, मैं समझता हूँ देश में एक बदलाव का माहौल है और देश का हर एक वर्ग भाजपा के राज से त्रस्त है, परेशान है। सिलेंडर 1200 रुपये का मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, रोजगार नहीं है। अग्निवीर के साथ एक योजना लाकर जिस तरह से देश के नौजवानों के साथ छलावा किया, मजदूर किसानों के साथ जिस तरह से बिल लेकर आए, 1 साल तक किसान धरने पर बैठे, किस तरह से उनको उद्योगपतियों को देने का पूरा, उनकी फसल को बेचने का पूरा उन्होंने पूरा इरादा बनाया था, वो फेल हुआ। तो इस तरह की जिस तरह से देश, मैं तो कहूँगा देश विरोधी जितनी भी ये सारी नीतियाँ हैं जनता अब समझ चुकी है और देश में एक परिवर्तन की लहर है और 24 में इंडिया गठबंधन एक सरकार बहुत मजबूत स्थिति में सरकार बनाने जा रही है। ठीक, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।